नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र हो, अंग सपुरण शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, रत्न शास्त्र हो, हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। किसी से कहने सुनने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आज हम आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र की एक ऐसी अद्भुत जानकारी लेके आए हैं कि आप खुद स्वयं आप अपने महाभाग्य रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी से पूछने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आपको अवश्य ही अपने भाग्य रत्न, महाभाग्य रत्न के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारा सबसे पावरफुल स्टोन कौन सा है। यह ज्योतिष की एक बहुत पुरानी विधा है और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य इस विधि के अनुसार लोगों को रत्न आदि धारण करने के लिए बताते थे, यानी कि जड़ी आदि धारण करने के लिए बताते थे। वैसे आमतौर पर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र जन्म पत्रिका नौ ग्रहों के अनुसार रत्न धारण करने के लिए बोलता है। 12 भावों के अनुसार लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, ये तीन महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। इनके रत्न सदा सर्वदा धारण करने के लिए कहा गया है। ये कभी भी व्यक्ति को खराब फल नहीं देते हैं। भले ही कुछ सूर्य और चंद्र कर्क और सिंह राशि के यह स्वामी होते हैं, चंद्रमा कर्क राशि के, सूर्य सिंह राशि के, अन्य राशियों के सभी राहु केतु को छोड़कर सब हर ग्रह दो दो राशि के स्वामी होते हैं। तो कहीं पर को यदि एक पंचमेश है, लग्नेश है या भाग्येश है, त्रिकोण कहा जाता है, के स्वामी है, दूसरी जगह पे खराब स्थिति में भी हैं और खराब स्थान पर भी बैठे हुए हैं, तो भी इनके रत्न ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार कभी खराब फल नहीं देते हैं। इनके अतिरिक्त अगला जो रत्न होता है वह राशि का रत्न होता है, जो भी सदा सर्वदा धारण करने के लिए बताया जाता है और कभी भी खराब फल नहीं देता है, भले अष्टम में, छठे स्थान पर, द्वादश में बैठा हुआ हो, खराब फल नहीं देगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र ऐसा कहता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो फायदा भी व्यक्ति को नहीं देगा। और कहीं कहीं पर कोई यदि बहुत कमजोर स्थिति हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं, ये तो फिर आकलन की बात होती है कि थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। 99% तो व्यक्ति यही विश्वास रखता है कि ये चार रत्न, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश और राशि के स्वामी रत्न हमेशा ही सदा सर्वदा सुख फल देते हैं, लेकिन 1% में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे जो पहले के विद्वान ज्योतिषी होते थे वह किस तरीके से व्यक्ति को रत्नों की राय दिया करते थे। वो क्या करते थे, जैसे लग्नेश है, मान के चलिए मेख लग्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि लग्नेश, लग्नेश यानी मंगल, मंगल का रत्न मूंगा। पंचमेश यानी कि सूर्य, सूर्य का रत्न माणिक। भाग्येश यानी कि गुरु, गुरु का रत्न पुखराज। ये तीन रत्न तो सदा सर्वदा व्यक्ति के लिए बताए जाते हैं। अब प्राचीन ज्योतिषी क्या देखते थे, या जो अभी भी बहुत से ज्योतिषी इसी के अनुसार बताते हैं भारतवर्ष में, तो जैसे मान के चलिए राशि है, राशि मान के चलिए वृषभ राशि बन गई है, व्यक्ति की वृषभ राशि है, तो इसका रत्न भी, यानी कि डायमंड, ओपल, फिरोजा, जिरकॉन, स्फटिक, जो उपरत्न है इनके, वो व्यक्ति धारण कर सकता है। अब यहाँ पर को जो ज्योतिषी, जो अभी भी विद्वान ज्योतिषी हैं, वह एक मत देखते हैं। देखिए भाग्य, ये भाग्य रत्न है। अब इन तीनों में से भी जो सबसे अच्छी स्थिति में होगा, अच्छा फल देगा, उसे भी हम भाग्य रत्न ही कहेंगे, भले ही वो लग्नेश का रत्न हो या पंचमेश का या राशि का रत्न हो, उस व्यक्ति का भाग्य रत्न की श्रेणी में आएगा, गिनती में आएगा। वैसे भाग्येश का रत्न पुखराज हुआ। अब हम जो महाभाग्य रत्न की बात कर रहे हैं, जो सबसे पावरफुल रत्न है जिसे धारण करके व्यक्ति को अवश्य ही रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, महत्वपूर्ण बात है। इस नक्षत्र के स्वामी यदि मंगल हो जाए, सूर्य हो जाए, गुरु हो जाए,
तो उसका रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए। यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी यदि लग्नेश से, पंचमेश से, भाग्येश से भाग हैं या इनसे मैत्री संबंध रखते हैं, इनमें से जिसके साथ भी वह ठोस मैत्री संबंध रखते हैं, उसका रत्न यदि व्यक्ति धारण करे तो वह महाभाग्य रत्न होता है। यह आकलन किया जाता है। यदि जैसे मान के चलिए वृषभ राशि में जो जहां भी चंद्रमा होते हैं, 9 चरणों से एक राशि बनती है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब जो वृषभ राशि बनी होगी यह कृतिका नक्षत्र के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 4 चरण। अब कृतिका के जो स्वामी हैं वो सूर्य होते हैं, उसके बाद रोहिणी के चंद्रमा और मृगशिरा के मंगल। अब मान के चलिए कि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में है और कृतिका के स्वामी सूर्य हो, तो यहां पर को सूर्य का रत्न माणिक भाग्य रत्न भले गुरु की कितनी अच्छी स्थिति क्यों ना हो से ज्यादा पावरफुल माना जाएगा और सदा सर्वदा जातक को शुभ फल ही देगा। अब अभी तो ये नक्षत्र के, चलो नक्षत्र के स्वामी बन गए सूर्य और यहां भी त्रिकोण के स्वामी बन गए। ऐसे ही कभी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति आती है तो उसका रत्न सदा सर्वदा व्यक्ति ने प्रमुखतया धारण करना चाहिए। और इसके बाद जो नक्षत्र के स्वामी है, जैसे मान के चले कोई अन्य स्वामी है, उसका यदि लग्नेश के साथ, पंचमेश के साथ या भाग्येश के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध बनता है, या स्वयं राशि के स्वामी के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध बनता है, जिसके साथ भी सबसे मजबूत संबंध बनता है, उसका रत्न यदि जातक धारण करे तो अवश्य ही जातक को चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त होएगा। पहले जो ज्योतिषी हुआ करते थे, रत्न शास्त्र आदि में रत्न की जो राय दिया करते थे, तो इसी का आकलन करके महाभाग्य रत्न व्यक्ति का सबसे पावरफुल रत्न बताया करते थे। क्योंकि नक्षत्र का स्वामी यदि इनका हो जाए इनमें से कोई, तो आंख बंद करके उस रत्न को आप रत्ती भार ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो भी धारण करेंगे तो भी वह प्रतिफल अवश्य ही पूर्ण रूप से देगा। तो ये बहुत से लोग हमसे कहते थे कि नक्षत्र आदि के गुरुजी लोग बताते हैं तो आप क्यों नहीं लेके आते हैं, तो ये सीधा सा वो है, आप अपने ज्योतिषी आदि से भी पता लगा सकते हैं। अन्यथा सीधा सा इसमें मतलब एक जो हम अपना एक दो शब्दों का ये जो तात्पर्य है वह यह है कि ये जो टॉपिक है कि यदि आपके नक्षत्र का स्वामी लग्नेश के, लग्नेश पंचमेश भाग्येश या राशि का स्वामी हो जाए, नक्षत्र का स्वामी, उसका रत्न ही महाभाग्य रत्न होता है। और ये प्रैक्टिकल तौर पे समझाने में हुआ, थ्योरी में ये 2 ही शब्दों में हुआ, आप जैसे हमने आपको बता दिया। यदि राशि ये नक्षत्र का स्वामी मान के चलिए सूर्य है, वो यदि लग्नेश हो जाए, पंचमेश हो जाए, भाग्येश हो जाए या राशि का स्वामी हो जाए, कोई भी ग्रह हो, तो उसका रत्न सदा सर्वदा धारण करना चाहिए, वही आपका महाभाग्य रत्न है। कोई रत्न किस्मत बदले ना बदले, कुछ फल दे ना दे, वह रत्न कुछ न कुछ फल अवश्य ही देगा, सकारात्मक देगा, जिसका हम जीवन में आनंद उठाएंगे। हो सकता है कुछ समझाने में ऊपर नीचे शब्दों में थोड़ा तालमेल बिगड़ गया हो, लेकिन आप उम्मीद है कि पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे। और यदि किसी के समझ में नहीं आई बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली फोन कर लीजिए, नंबर नीचे पे दिए रहते हैं, हर एपिसोड पे नंबर दिए रहते हैं, हम आपको भली भांति फोन पे भी समझा देंगे कि किस तरीके से ये होता है। हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड हम बनाते हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबे एपिसोड बनाते हैं और आपकी जानकारी बहुत देर में शुरू होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देना समझते हैं उचित, जो कि कहीं ना कहीं काम आए, तो इसलिए जो कमी रही हो तो आप मुझसे फोन पे जानकारी लेकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी थी जानकारी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, स्वयं पे अमल करिए, यदि आपके साथ ऐसा है तो अवश्य ही धारण करिए, भले ही कम कीमत का धारण करिए लेकिन करिए अवश्य। तो नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।